नमस्कार, एनिमल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, जिन्हें आप अक्सर ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए देखते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चा करने के लिए चुनाव का जो महाकवरेज एनएमएफ न्यूज का है उसमें पंकज प्रसून अपनी भूमिका अदा करने के लिए एनएमएफ न्यूज के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। और आज इसी महाकवरेज में बात करेंगे दो ऐसे राज्यों की, जहां आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, जहां से आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा से नवीन पटनायक, दोनों को मोदी का अच्छा दोस्त बताया जाता था और कहा जाता था कि ये मोदी के वो हनुमान हैं, जब भी मोदी को कहीं भी जरूरत पड़ती है, वो राज्यसभा में वोटिंग की बात हो या फिर कुछ और बात हो, तो ये दोनों जो दोस्त हैं वो मोदी के साथ आकर अक्सर खड़े रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के जो समीकरण है वो बदले हुए हैं। नवीन पटनायक के साथ गठबंधन की खबरें थी लेकिन नहीं हो पाया, जगन मोहन रेड्डी के साथ भी गठबंधन की खबरें थी लेकिन वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन यानी टीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर दिया। और अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, ओडिशा से भी और आंध्र प्रदेश से भी। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या ऐसा मान लिया जाए पंकज जी, मोदी से अलग होने के बाद ये लोग पछता रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा से जो आंकड़े आ रहे हैं वहां ऐसा एग्जिट पोल में बताया गया कि 17 से 18 सीटें बीजेपी जीत सकती है और जो 12 सीटें नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीती थी 2019 में वो घटकर 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। नहीं, एक एक राज्य करके बताऊंगा जी। सबसे पहले उड़ीसा की बात कर लेते हैं। आपने कहा अलग होने के बाद साथी कब लड़े थे? कभी नहीं। अटल जी का जमाना था जब बीजेडी और बीजेपी एक साथ थी, उसके बाद अलग हुए और काफ़ी अच्छे माहौल में अलग हुए। एक शाम चाय पर नवीन बाबू आते हैं, कहते हैं कि देखिए अब साथ रहना संभव नहीं है, हम लोग अलग हो जाते हैं, और बिल्कुल गुड हैंडशेक के साथ अलग हुए। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल हमेशा से उड़ीसा के चुनाव में अलग अलग लड़ते रहे। दूसरी बात रही बात की तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं जी, ये होना है, नेचुरल प्रोसेस है। लगातार शासन कर रहे हैं नवीन बाबू, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वीडियो भी एक वायरल हुआ था जिसमें उनका हाथ कांप रहा दिख रहा और पंडियन साहब हटा लेते हैं। उड़ीसा में एक बात की चर्चा ये है कि आज की तारीख में बीजू जनता दल पंडियन साहब चला रहे हैं। वो साउथ के एक ब्यूरोक्रेट है, उड़ीसा से उनका कोई मतलब नहीं, पोस्टिंग है, उड़ीसा कैडर मिला हुआ है। उसके बाद वो करीब आते हैं नवीन पटनायक के और धीरे 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 सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। अब उड़ीसा में इस बात की चर्चा है कि एक गैर उड़िया ब्यूरोक्रेट हम पर शासन क्यों करेगा और कब तक करेगा। तो थोड़ा सा वोट घटा है बीजू जनता दल का, जो वोट घटा है उस स्पेस को भरा है बीजेपी जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे विजयंत पांडा साहब हैं, वो बहुत सीनियर लीडर हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं, उड़ीसा से आते हैं। संबित पात्रा हैं, वो उड़ीसा से आते हैं। तो इन सब नेताओं ने वहाँ काफ़ी मेहनत की है और वो ग्राउंड गेन किया है। ये तो थी पर्सनल रिलेशन की बात। मैं ये मान के चलता हूँ कि नतीजे चाहे जो आए, नवीन बाबू और बीजेपी के बीच रिश्ता हमेशा सौहार्दपूर्ण बना रहेगा आगे भी। और वही जब आप बात कर रहे थे ना कि जब सपोर्ट करने की बात आएगी तो नवीन बाबू की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन नतीजों के बाद भी बावजूद उनको 2 सीट आ जाए, 1 सीट आ जाए, 5 सीट आ जाए, बीजेपी को 20 सीट भी अगर आ जाएगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नतीजों पर। तो ये हमेशा होता रहेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर मैं कहना चाहूंगा, नवीन पटनायक की स्ट्रेंथ क्या है कि उन्होंने गरीबों को अनाज दिया है खाने को, लेकिन एक शिकायत आई है। शिकायत यह आई है कि अनाज तो मोदी जी दे रहे हैं 5-5 किलो पूरे देश में, लेकिन उड़ीसा में मोदी जी के अनाज को नवीन बाबू के चेहरे वाले एक थैली वाला पैकेट होता है उसे भर के दे दिया जाता, डिलीवर कर दिया जाता है और लोगों को बताया देखिए नवीन बाबू आपको खाना दे रहे हैं। ये है, इस तरह की कई योजनाएं हैं और पैसे को लेकर कुछ घपला घोटाला है वहां। नवीन बाबू पर्सनली ईमानदार आदमी है, लेकिन मैंने बोला ना कि नवीन बाबू नहीं चला रहे हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है और ब्यूरोक्रेट जब से उसने कमान हाथ में ली है कई तरह की शिकायतें हैं बीजू जनता दल के अंदर भी, जो सीनियर नेता है जैसे पिनाकी मिश्रा साहब, वो कंफर्टेबल नहीं है पंडियन से।
नहीं तो उसका भी असर पड़ रहा है। आने वाले वक्त में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा और नवीन बाबू की जैसे जैसे तबियत खराब होती जाएगी लोकप्रियता घटेगी। नहीं लोकप्रियता नहीं, बीजेडी का जो अस्तित्व है, हाँ बीजेडी घटेगा क्योंकि अब नवीन बाबू बहुत ज्यादा एक्टिव है नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम आते हैं, तो चलिए स्पेस को भर रहा है भर रही है भारतीय जनता पार्टी और यही दिख रहा है। ये आपने बहुत सही बात कही, उम्मीद है ऐसा हो कि इन चुनाव में जो भी नतीजे आते हैं 2024 की बात कर रहे हैं, एक और लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी नो डाउट, लेकिन उसी के साथ जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें देखिए कि बीजू जनता दल, क्योंकि उड़ीसा के लोग, उड़ीसा में शंख छाप, दिल्ली में मोदी, एक ही बार जाता है आदमी एक पोलिंग बूथ पे, दिल्ली के लिए मोदी को दबाता है कमल और विधानसभा के लिए शंख दबाता है, और ये पिछले बार भी हमने देखा है सर और इस बार भी बिल्कुल। तो थोड़ा सा सीट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजू जनता दल की सरकार वहां से जाने वाली है, वहां भी विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें बढ़ेगी लेकिन सरकार वहां विधानसभा में बीजू जनता दल की जब तक नवीन बाबू हैं और दिल्ली में मोदी। चलिए लेकिन ये बड़ी बात है कि नवीन साहब की पार्टी बीजेडी फिर इन नतीजों के बाद भी अगर मोदी को जरूरत पड़ती है तो उनके साथ रहेगी। अब अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी नाराज हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश की राजनीति समझिए, वहां जो भी सरकार रहेगी उसे केंद्र का सहयोग लेना होगा और जिसने केंद्र का सहयोग नहीं लिया चंद्रबाबू नायडू एक बार बर्बाद हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तरह बहुत घूम रहे थे, इंडिया गठबंधन जैसे नीतीश कुमार ने बनाया ना, तो चंद्रबाबू नायडू कभी इससे मिले कभी उससे मिले, परिणाम क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू बर्बाद। उन्हें बाद में होश आया लेकिन समर्थन करने के लिए सांसद ही नहीं थे, उस स्पेस को लिया वाईएसआर कांग्रेस ने और केंद्र सरकार को सहयोग किया। अब इस बार क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने कैलकुलेट किया, 46% वोट थे वाईएसआर कांग्रेस के और क्लीन स्वीप था, 41% वोट के पास के आसपास चंद्रबाबू नायडू थे लेकिन उनका बिल्कुल जीरो था, इतने का फर्क क्योंकि डायरेक्ट फाइट था ना। अब बीजेपी ने देखा, पिछली बार बीजेपी अकेले लड़ी थी उसके पास 7% वोट आए थे, बीजेपी ने देखा कि अगर मैं 41 के साथ अपना 7% मिला देता हूं और उसपे अगर पवन कल्याण की जनसेना का जो 3% वोट है वो, हाँ वो आ जाता है तो 41-7 48 और 3% 51% होते हैं, ऐसे में हम क्लीन स्वीप करेंगे और एंटी इनकंबेंसी भी जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ है, 5 साल सरकार चले और जगनमोहन रेड्डी की सरकार से कुछ कुछ गलतियां हुई है, तिरुमला देवस्थानम आप जानते हैं, बालाजी तिरुपति हर कोई जानता है, वो हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ है, आरोप ये लगे और इस तरह की चर्चाएं वहां शुरू हुई कि हिंदुओं के मंदिर पे डायरेक्ट कंट्रोल एक ईसाई मुख्यमंत्री कर रहा है और करना चाह रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, ये वहां इशू है कि भाई हिंदू के मंदिर पे हिंदू धर्म जो ट्रस्ट है उस पर किसी हिंदू को बैठा दो और ये कंट्रोल भी करे, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है तो पर डे इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की राजनीति में धर्मांतरण या ईसाई धर्म का बढ़ता प्रभाव भी एक दबी जुबान में चर्चा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने परसेंट, 0.5% का भी उससे असर पड़े, 1% का भी असर पड़े तो वो वोट स्विंग होता है और खास करके कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में वो असर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार में रही लेकिन आज तक आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी नहीं, बहुत स्लो स्पीड है, अमरावती को बनना है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, चंद्रबाबू नायडू के समय काम आगे बढ़ा पर ये स्लो डाउन हो गया, अब वो भी बनवाना है, एक राजधानी नई राजधानी बनानी है एक राज्य की, वो प्रोजेक्ट है। जब अटल जी के साथ थे और चंद्रबाबू नायडू थे तो नदी जोड़ो परियोजना हुई थी, गोदावरी और कृष्णा वो नदी थी जो जुड़ी और 6,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित हुई, हरियाली है वहां जहां पानी की किल्लत थी, वो देख रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो आईटी सेक्टर भी डेवलप करता है, हैदराबाद साइबराबाद भी बनता है, सिकंदराबाद भी डेवलप होता है, अमरावती राजधानी का भी काम होता है, नदी जोड़ो परियोजना से भी होता है, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू बेटर परफॉर्मर हैं वाईएसआर कांग्रेस का मुकाबले, जगनमोहन रेड्डी के मुकाबले बिल्कुल। तो ये सब सारे फैक्टर्स मिलकर इस बार स्विंग जो है वो इधर है। चलिए
अब ये बताइए आखिर में अगर जरूरत पड़ी, अगर ऐसा ही हुआ नतीजे कि 5 से 6 सीटें बीजेपी के पास, 12 से 13 सीटें जो है जगनमोहन माफ कीजिएगा चंद्रबाबू नायडू के पास और 2 से 4 सीटें अगर जगनमोहन रेड्डी को आती हैं, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से अब तक जो है साथ देखा गया है, तो क्या वही नवीन पटनायक वाला वही स्टैंड लेंगे या अलग करेंगे? केंद्र के साथ वाईएसआर कांग्रेस पंगा नहीं लेगी और खास करके कांग्रेस की तरफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस का निर्माण ही हुआ है कि इनके फादर जो थे उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया था, तो ये कांग्रेस से अलग हटे तृणमूल कांग्रेस वाला हाल है। तृणमूल कांग्रेस चाह के भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है दिल्ली की राजनीति में, लेकिन बंगाल की राजनीति उसे रोकती है क्योंकि कांग्रेस सीपीएम के साथ है। यहां भी कांग्रेस से टूटकर वाईएसआर कांग्रेस बनी, पिता मरे इनके जगनमोहन के, इनके साथ बहुत बेइज्जती की गई, उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाया, कांग्रेस का कैडर इनके साथ हुआ, बची खुची कांग्रेस के साथ अगर सटेंगे फिर तो मुझे लड़ाई दिक्कतें होंगी। हाँ, तो मतलब ऐसा मान लिया जाए कि जो मोदी के हनुमान थे वो हनुमान बने रहेंगे 24 के बाद, रिजल्ट कुछ भी हो आंध्र और उड़ीसा इसका जो भी सांसद जीते अंत में वो मदद करेगा, भले एनडीए के खाते में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो मदद करेगा। तो ये पंकज जी ने बहुत जो है अच्छी जानकारी दी है, अलग भले ही चुनाव लड़े, बीजेपी भले ही जो है अपना जनाधार आंध्र प्रदेश में भी बढ़ा रही है और उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। जी एक चीज, जगनमोहन की दुश्मनी चंद्रबाबू नायडू के साथ है, चंद्रबाबू नायडू की दुश्मनी जगनमोहन के साथ है या कांग्रेस साथ है, लेकिन बीजेपी दोनों की दोस्त है, बीजेपी से नहीं है, दोनों की दोस्ती बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से नहीं। तो उसी के इसी लिहाज से जो आंध्र प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ी, आंकड़े देखकर किसके साथ उसे फायदा हो सकता है, वाईएसआर कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे देखते हुए चंद्रबाबू नायडू का जो है साथ चुना था इस बार और उसका फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यही है कि मोदी के जो हनुमान थे वो 24 के बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे वो हनुमान बने रहेंगे। इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं।